गाइस बसंत पंचमी जस्ट आ ही गई है एंड वी आर गोइंग टू जंप फ्रॉम विंटर सीजन टू स्प्रिंग सीजन। यस, इस दिन से स्प्रिंग सीजन की शुरुआत हो जाती है। दिस फेस्टिवल एक्चुअली मार्क्स अ बिगिनिंग ऑफ स्प्रिंग सीजन। और बसंत पंचमी के जस्ट 40 डेज बाद होली आ जाती है। गाइस एक बात और आपको बता दूं कि इस फेस्टिवल को यानी बसंत पंचमी को हम सरस्वती पूजा के नाम से भी जानते हैं, बिकॉज इस दिन हम गॉडेस सरस्वती जी की पूजा करते हैं। सो दिस इज कॉल्ड एज सरस्वती पूजा। गाइस मैंने एक इंडिविजुअल वीडियो बनाया है जिसमें सरस्वती पूजा से रिलेटेड वर्ड एंड सेंटेंसेज यूज़ किए हैं। सो उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो गो एंड चेकआउट। तो ये रही कुछ बातें अबाउट बसंत पंचमी। अब हम डिस्कस करेंगे कि हाउ वी सेलिब्रेट बसंत पंचमी और साथ साथ में इंग्लिश भी सीखते जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लोग इस दिन देवी सरस्वती जी की पूजा करते हैं। पीपल वर्शिप गॉडेस सरस्वती। पूजा को हम लोग वर्शिप बोलते हैं, गॉडेस को हम लोग देवी बोलते हैं। लोग पीले वस्त्र, पीले कपड़े या पीला पहनावा पहनते हैं। पीपल वियर येलो कलर्ड अटायर। अटायर को पहनावा पोशाक बोलते हैं। लोग इस दिन अपने घर को और अपने मंदिरों को पीले फूलों से सजाते हैं। पीपल डेकोरेट देयर हाउस एंड टेम्पल विद येलो कलर्ड फ्लावर्स। लोग इस दिन पतंग उड़ाते हैं। पीपल फ्लाई द काइट्स। पतंग उड़ाना को बोलते हैं फ्लाई द काइट्स। तो गाइज ये रही इन्फॉर्मेशन अबाउट बसंत पंचमी। अगर आपको कुछ अलग और हटके कुछ पता हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अबाउट बसंत पंचमी एंड हाउ वी सेलिब्रेट इट। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।